हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटी, बहुत ही कॉमन कंडीशन, बजिंग इन द ईयर्स के बारे में। मतलब कानों के अंदर लगातार अगर रिंगिंग हो रही है, बजिंग हो रही है, आवाज़ें आ रही हैं, और वो भी विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। अगर कोई भी रीज़न नहीं है उसके कारण, फिर भी लगातार आपको आवाज़ आ रही है और किसी और को कोई आवाज़ नहीं आ रही है, दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड रिंगिंग और बजिंग इन द ईयर। इन मेडिकल टर्म्स इसको टिनिटिस बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये दो तरह की होती है। एक होता है कि जिसमें पेशेंट जो होता है उसको खुद को आवाज़ सुनती है और किसी को पता नहीं चलता है, दैट इज़ सब्जेक्टिव, यानी व्यक्ति परक अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। दूसरी कंडीशन जिसमें जो डॉक्टर जो चेक करता है कान में, और जो ऑडियोग्राम करता है या जो स्टेथोस्कोप से चेक करता है, उसको भी कुछ सुनाई देता है, कुछ डिस्टर्बेंस ईयर में पता चलती है, तो उसको बोलते हैं वस्तु परक या ऑब्जेक्टिव। तो ये दो कंडीशंस होती है टिनिटस की। टिनिटस वैसे तो एक बहुत ही छोटी सी कंडीशन है, बट जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। इट्स बिकॉज़ कि ये 24 आवर्स बनी रहती है उसके साथ। तो जब तक तो वो दिन में है, म्यूज़िक चल रहा है, कोई और एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, तब उसको कम पता चलता है, बट जैसे ही वो लेटता है, सोने के लिए जाता है, तो रात भर वो इस प्रॉब्लम से परेशान रहता है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो किसी ना किसी तरह से इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं टिनिटस के। सबसे पहली चीज़ ये है फ्रेंड्स कि ये जो टिनिटस होता है वो एज रिलेटेड भी हो सकता है। मतलब बुज़ुर्गों के साथ, एज के साथ ये आने वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये ब्लड प्रेशर के साथ भी देखा जाता है। बहुत ज़्यादा लोग जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, खून का दौरा बहुत तेज़ चल रहा है, उनके कानों में भी ऐसी आवाज़ आती रहती है। एक और कंडीशन है जिसमें आप कानों में आपके वैक्स बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा वैक्स हो गया है, उसके कारण भी हो सकता है, या ईयर का इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे वो मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो गया हो, आउटर ईयर का इन्फेक्शन हो गया हो, तो उन कंडीशन में भी हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो, स्पेशली अगर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या एस्पिरिन वगैरह ले रहे हैं, तो उस केसेस में भी टिनिटस हो जाता है। इसके अलावा अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आपको, इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद भी आपको टिनिटस की आवाज़, टिनिटस के सिम्टम्स दिखते हैं। फ्रेंड्स, एक और कंडीशन जिसमें आपकी आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई एनिरिज्म हो रहा हो, ट्यूमर हो रहा हो, कोई भी ग्रोथ हो रही हो, तो उन केसेस में भी टिनिटस हो सकता है। इसके अलावा आज के टाइम्स में बहुत ज़्यादा जो कॉमन कंडीशन देखी जा रहा है कि लोगों को टिनिटस हो रहे हैं, वो है यूज़ ऑफ़ हेडफोन्स। जो लोग बहुत ज़्यादा हेडफोन्स यूज़ करते हैं 24 आवर्स, वो भी लाउड वॉल्यूम पे रखते हैं, उनको भी टिनिटस हो जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे हर वक्त बहुत लाउड नॉइस रहता है, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कानों में आवाज़ आती है, वो उसके बाद उनको लगातार टिनिटस की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो दीज आर सम कॉजेज जिससे टिनिटस हो सकता है, बट एक्चुअल कॉज जो होता है कि टिनिटस क्यों होता है, ये अभी पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे करा करके पता चल सकता है कि टिनिटस का क्या रीज़न है। कोई ट्यूमर हो रहा है, या कोई ग्रोथ हो रही हो, या कान की हड्डी बढ़ी हुई है, क्या क्या रीजंस हो सकता है। इन सब चीज़ों के लिए सीटी स्कैन, ऑडियोग्राम या एमआरआई कराई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट इसका क्या है। तो मैनेजमेंट इसका है कि जो भी कॉज आपको पता चलता है उसको ही दूर करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको सबसे पहला टेम्प्रेरी रिलीफ लेना है, क्योंकि जो टिनिटस का पेशेंट होता है वो सो नहीं पाता है, उसको रात भर आवाज़ रहती है, रात भर वो डिस्टर्ब रहता है। तो अगर म्यूज़िक थेरेपी वो यूज़ करता है, मतलब लाउड म्यूज़िक की जगह पे वो सॉफ्ट म्यूज़िक चला के रहता है, क्योंकि रात में जितनी भी एक्सटर्नल आवाज़ें होती हैं, नॉइज़ होती हैं, वो बंद हो जाती हैं, तो रात में उसको टिनिटस ज़्यादा फील होता है। तो घर में ही वो कोई म्यूज़िक चला के रख सकता है, सॉफ्ट म्यूज़िक सुनते सुनते उसकी नींद आ जाएगी। दिस इज़ द फर्स्ट बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग कि उसको नींद आए। तो नींद आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप म्यूज़िक थेरेपी यूज़ करें। इसके अलावा आपको जो हेडफोन्स वगैरह आप यूज़ करते हो उससे दूर रहे, स्ट्रेस से दूर रहे, और कोशिश करें कि जो नॉइज़ को कैंसिल करने वाले जो हेडफोन्स होते हैं उसको यूज़ करें। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है, तो नॉइज़ कैंसिलेशन जो हेडफोन्स होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। और अपने डाइट से अल्कोहल या कोई भी स्टिमुलेंट, चाय, कॉफ़ी, तम्बाकू, सिगरेट, इन सब चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दें और स्ट्रेस नहीं लें। तो फ्रेंड्स, ये सारी छोटी सी चीज़ें जो घर पे कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम चलिए बात कर लेते हैं कि क्या होम्योपैथी हेल्प कर सकती है। तो होम्योपैथी की जो मेडिसिंस हैं, दीज आर वेरी मच इफेक्टिव इन ट्रीटिंग टिनिटस। टिनिटस किसी भी कारण से हो रहा हो, अलग अलग कारणों से होने वाले टिनिटस के लिए अलग अलग तरह की होम्योपैथिक मेडिसिंस हैं।
सबसे पहली मेडिसिन जो दी जाती है टिनिटस के केसेस में या ईयर के और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, वो है काली म्यूर। तो फ्रेंड्स, जो काली म्यूर मेडिसिन होती है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, बहुत अच्छे से टिंडस को डील करती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपको पहले कभी ओटोरिया रहा हो, कान से लगातार पानी बहता रहा हो, कान से स्मेली जो लिक्विड निकलता रहा हो, एयर का इन्फेक्शन पहले रहा हो, और अभी भी अगर हो और उसके साथ साथ में टिनिटस की प्रॉब्लम हो, तब आप काली म्यूर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काली म्यूर को आपको 3 एक्सपोटेंसी में लेना है। आपको 3 एक्सपोटेंसी में इसके 4-4 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आपको लेना है, और इससे आपको विद इन अ फ्यू आवर्स आपको फ़र्क पता चल जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन आती है नैट्रम सेलिसाइक्लिकम। ये जो मेडिसिन होती है वो दी जाती है अगर आपको बहुत लाउड नॉइस नहीं सुन रहा है, बट लगातार एक हमिंग साउंड सुन रहा है, लगातार आपको हल्की सी आवाज़ कानों में आ रही है, उन केसेस में आपको इस मेडिसिन को लेना है। और जो आवाज़ है ये आपको लेटने से थोड़ा सा कम महसूस होता है, मतलब लेटने से ये प्रॉब्लम टिनिटस की बढ़ती नहीं है जैसे नॉर्मली होता है, तो उन केसेज में आपको नैट्रम सेलिसाइक्लिकम की मेडिसिन लेनी है। इसको भी आपको 3 एक्सपोटेंसी में लेना है, और इसकी 4-4 ड्रॉप्स दिन में 3 टाइम्स लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है फ्रेंड चिनियम सल्फ। तो चिनियम सल्फ लेना है अगर आपके जो कान हैं वो बाहरी चीज़ों से उतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर बहुत रोरिंग साउंड हो रहा है, मतलब बाहर कोई व्हीकल जा रहा है, बाहर कोई इंसान बोल रहा है, उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर इतनी ज़्यादा लाउड नॉइस हो रही है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन कंडीशंस में आपको लेनी है चिनियम सल्फ। तो चिनियम सल्फ की भी आपको 3 एक्सपोटेंसी लेनी है, तो इसके 3 एक्सपोटेंसी की 4-4 ड्रॉप्स दिन में 3 टाइम्स आपको लेनी है। इसके अलावा एक मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो है थियोसिनामिनम। थियोसिनामिनम को आपको लेना है अगर आपको पता है कि पहले आपको ईयर से कोई प्रॉब्लम हुई थी, कुछ टाइम पहले आपका कान बह रहा था, कान से कोई इन्फेक्शन हो गया था, कान में कुछ भी ऐसा हुआ हो, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी गया हो, जिसके कारण आपको लग रहा हो कि यहाँ पे ग्रोथ हो गई है, फाइब्रस एडेशंस हो गई हो, उसको डिजॉल्व करके कान की जो पैसेज है उसको जो रिस्टैब्लिश करती है वो मेडिसिन है थियोसिनामिनम। तो आपको थियोसिनामिनम तब लेनी है अगर आपको ईयर का इन्फेक्शन, ईयर की कोई प्रॉब्लम पहले हुई हो और अब आपको टिनिटस की प्रॉब्लम हो गई हो। तो ये 4 मेडिसिन है, तो चारों मेडिसिन को आपको 3 एक्सपोटेंसी में लेनी है, जो मेडिसिन आपके सिम्टम्स को सूट करती है। इसके अलावा लास्ट में जो मैं मेडिसिन बताने जा रही हूँ वो सबको लेनी है फ्रेंड्स। ये मेडिसिन है चिनोपोडियम 1X, प्लांटेंगो मेजस 1X और मुलियन ऑयल 1X। इन तीनों मेडिसिन को 1 एक्सपोटेंसी में लेना है, और इसको इसकी थोड़े से स्पून में या जिस भी छोटी सी बॉटल में आपको 10-10 ड्रॉप्स रखनी है, और दोनों कानों में आपको एक्सटर्नली इसको डालना है। चाहे आपको प्रॉब्लम 1 ईयर में हो, चाहे आपको प्रॉब्लम दोनों ईयर में हो, लेकिन आपको दोनों कानों में इस मेडिसिन को डालना है, और इससे बहुत जल्दी आपको फ़र्क पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, टिनिटस जो होती है एक ऐसी कंडीशन है जिसका रीज़न नहीं पता चलता है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से जो होम्योपैथिक मेडिसिन उसको ट्रीट करती हैं। एलोपैथिक में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कुछ सीडेटिव्स है जिससे आपको नींद आ जाती है, जिससे आपको साउंड थोड़ा कम पता चलता है, बट एज सच क्योर इसका नहीं है। बट ये मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है, अगर आप ऐसे ही लेते हैं जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, तब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली टिनिटस को ट्रीट करती हैं। तो फ्रेंड, दिस इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टिनिटस। आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस टॉपिक पे आपसे शेयर किया आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।